बिनारकोट निवासी और समाज के रीढ़ हम लोग के गार्जियन आप मंच पर आने का कष्ट करें जो बारह पंचायत से है, मैं इनको मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ कि मंच तक आप आने का कष्ट करें। श्री मुंशी साहब जी दर्ज करें और लोगों को की समाज के जो प्रखंड उपाध्यक्ष श्री प्रखंड कमेटी की ओर से इनको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से इनको स्वागत किया जाए। श्रीमान रिपु सुरेश साहू से स्वागत किया जाए।
ये बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है।
कानपुर की सरजमीन पर तेरी समाज के गिद्धौर प्रखंड के स्तर पर मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। आज मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वाले को सबसे पहले दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम की तैयारी में जिन लोगों ने योगदान किया है उनको भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो प्यार चतरा से मिलता है, जो अपनापन चतरा से मिलता है, उसके बारे में मेरे पास कोई शब्द कहने के लिए नहीं। पूरे भारत में तेरी समाज की संस्थाएं समितियां चलती है जेलों जेलों में। प्रथम स्थान ले जाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में बैठा है आपको जानकर के ये बात बहुत खुशी होगी। और आप सब जानते हैं, बताने की शायद जरूरत नहीं है कि हमारा और उनका ब्लड एक ही। अपनी तैयारी पूरी कर ली है, वह व्यक्ति हमारी जात में पैदा हुआ है, एक बार उनके लिए तालियों की जोरदार बजाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही जितनी बातें हुई, आज मैं गिद्धौर के गांगपुर की सभा में आप सबको साक्षी मान करके ऐलान करता हूँ कि मेरे दोनों बेटों की जब शादी होगी तो तिलक और दहेज भी हो सकता है। उसके बावजूद जिनके साथ हम रोज बैठते हैं, दहेज के नफा दहेज का नुकसान, इस विषय पर हमें बात करना चाहिए। दिन पीते हैं कि महीना भर में पीते हैं, अगर पीते हैं तो उस शराब ने मेरी सेहत को नुकसान पहुंचाया है क्या? अगर एक ही जगह पर दो भाइयों का खेत है, दोनों ने खेती की हुई है, तो वो अपना फसल बाद में देखता है, पहले भाई की फसल को देखता है, इसका हमसे ज्यादा अच्छा कैसे है यार? सफलता एक बंद दरवाजा है। जब हम मैट्रिक में होते हैं ना, तो मेरी मंजिल क्या होती है, मेरा बंद दरवाजा क्या होता है, मैट्रिक हमको अच्छे नंबर से पास होना है। जैसे ही मैट्रिक पास होते हैं हमारी सफलता का एक द्वार खुल जाता है। लेकिन जैसे ही उस द्वार खुलते ही हम जब आगे बढ़ते हैं तो सामने इंटर का एक दरवाजा आता है, वो खोलते हैं तो ग्रेजुएशन का दरवाजा आता है, फिर जीवन की तैयारी करने का दरवाजा आता है। सफलता की कोई सीमा है ही नहीं, सफलता कभी आखिरी सीमा इसकी है ही नहीं। इसलिए हम अपने जीवन को संतोषजनक कैसे बना सकें? जो मेरे पास प्राप्त है, जो मेरे पास हासिल है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसी में हम कैसे खुश रह सकें? आकृति संस्था बोलने चलने की ट्रेनिंग लेती थी, मैंने बात करने का लहजा सीखा, कैसे लोगों से मिलना जुलना है, इन सब चीज़ों को सीखा, जीवन कैसे जीना चाहिए, इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए उस संस्था का निर्माण हुआ था। मैंने उसकी सदस्यता ली और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक गांव का आदमी, बिल्कुल थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, कोई दिलदार बन के आए तो दिलदार हम भी हैं, कोई दिलदार बन के आए तो दिलदार हम भी हैं, अगर दुश्मनी रखोगे तो तैयार हम भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतना देर आपने मुझे सुना। ये वही शख्स है जो जोगेंद्र साहब का मंत्री बनाए थे झारखंड में, इन्हीं के बदौलत पर जोगेंद्र साहब मंत्री बने थे, वही शख्स ये है। अगर हम लोग के बीच में चल के आए हैं इतनी कम संख्या में, अगर तो इसी बात रही है कि इनकी पहुंच कम है। ये जितना इनका कद छोटा है उतना ही इनकी पहुंच लंबी है। तो मेरा एक सपना है कि मेरे रहते हुए मेरे समाज को कोई उंगली दिखा सकता है। जोरदार तालियों से स्वागत हो अतिथि महोदय।